यहाँ तो कच्चे लपटने को तैयार है भाई। ओ भाई नो 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 सो है गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अभी गाइस ऑफिस से आया हूँ, रात को करीब हो गया है 6:30 बज गए हैं। और देखो मेरे यहाँ इंतजार कर रही थी मेरी बच्ची शानवी, तो सानी मेरा इंतजार कर रही थी और सेजल कुछ कर रही है, देखते हैं क्या कर रही है। सेजल क्या हो गया, शक्ल ऐसे क्यों बना दिया है? सेजल की तबीयत खराब थी 2 दिन से। और गाइस ठंड बहुत हो गई भैया, आजकल जो है ना ठंडा बहुत हो गया है। और शाम को जो है मैं भी ज्यादा घूमता नहीं, और मैं भी सीधा घर आता हूँ ऑफिस से, वरना पहले जो है गर्मी में थोड़ा बहुत टाइम मिलता था घूमने का, बट ये कि अब जो पूरा टाइम जो है घर पर रहना पड़ता है, क्योंकि भाई सर्दी में ज्यादा बाहर रहना ठीक नहीं, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है भाई, तो परहेज करना पड़ेगा। अभी हम कुछ बनाने वाले हैं, कुछ स्पेशल है, और वह है हम सबका फेवरेट, यानी कि मम्मी का सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो अभी सर्दियों में जो उसको है ना खाने का मजा ही कुछ हो रहा है, तो क्या बनाने वाले, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग भी ट्राई करना बना के उसको खाने की, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और वहां देखो टॉर्च वाले कौन आ रहे हैं। हाँ जी, ये मम्मी, मम्मी आ गई लकड़ी लेके। तो गाइस आज जलने वाला है चूल्हा, चूल्हा स्पेशल जला रहे हैं, क्योंकि चूल्हे में ही बनेगा वो, चूल्हे से ही जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो हमने गाइस चूल्हा कहाँ बना रखा है, आओ चलो मम्मी के पीछे पीछे चलो, बने रहो बने रहो। तो गाइस हमने तो कोई चिमनी बनवा रखी किचन के अंदर ही, तो वहां पर है चूल्हा। गाइस उसमें डालने के लिए प्याज टमाटर ये कट रहा है अभी, और ये है वो गाइस आइटम, ये क्या है। तो यार शुरू करते हैं, ये देखो पर उसमें खून खून हो रखा है, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। ये है गाइस यार मुर्गे के पैर है गाइस ये। तो गाइस मुर्गे के पंजे बनाएंगे हम सूप, और बकरे के पंजे बनते हैं, इसको बोलते हैं खोड़ा बोलते हैं बहुत से लोग, और खोड़ाई का सूप बोलता है, लेकिन हम बनाने वाले हैं भाई सस्ता वाला सूप है भैया, सस्ता वाला मुर्गे का। और ये जो है बकरे से जो सस्ता मिलता है, और सर्दियों में इसको पीने का मजा कुछ और है, लेकिन इसको हर कोई बना नहीं सकता गाइस, क्योंकि इसको बनाने का तरीका जो है ना हर किसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो सफाई चाहिए मेन बात है सफाई, और सफाई जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके ना सूप पीने का मजा आएगा। तो गाइस इसकी सफाई और पूरा ए टू जेड आपको दिखाएंगे, अगर आप लोगों ने कभी देखा ना हो, किसी किसी मेरे दोस्तों को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो जो उसको खाता नहीं होगा, बट सॉरी यार दिल से, लेकिन जो इसको खाते हैं भैया कुछ भी चीजें, इंसान जो है इंसान से कुछ नहीं छोड़ा हुआ भैया। तो यार अभी बने रहना है वीडियो में, कैसा लगता है सूप? बढ़िया। तो गाइस मम्मी को जो है ना, मम्मी को लगता है बहुत अच्छा सूप। यहाँ देखो ये लगी हुई टीवी देखना है, कुछ काम नहीं है बस टीवी देखना है बस, है ना। होमवर्क कर लिया है, तबीयत ठीक है, इसकी भी तबीयत खराब हो गई थी गाइस, 2 दिन तो छुट्टी रही इसकी स्कूल की, गई नहीं है। आनवी ना देख रही गाइस ट्राइपॉड, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में लगा रखा ना फोन, तो पकड़ना चाह रही हूँ उसमें ना, और लाइट जल रहा है ताकि ताकि ना जो है वीडियो जो है अच्छी सी बन पाए। तो क्लियरिटी कैसी आ रही होगी देखना, क्लियरिटी सही आ रही है, मैंने लाइट लगवा रखी ना ट्राइपॉड के ऊपर, जो लाइट लगती है वो लगा हुआ है। ये देखो ये चाह रही है कि मैं भी ब्लॉगिंग करूंगी, बड़े हो गए आप भी करना भाई ब्लॉगिंग। और गाइस एक बात बता दो, मैंने अपना अपने फोन में जो है ना कुछ मॉडिफिकेशन कराया है, तो भैया वो भी देखना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। गाइस मम्मी ने तो कर लिया भाई कार्यक्रम शुरू, ये देखो मम्मी धो दिया क्या इनको, तो मम्मी ने इसको पहले जो है ना धो दिया। यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ तो कच्चे लपटने को तैयार है भाई। ओ भाई छोड़ दो पूरा, ये पूरा खा लोगे, ये खाओगे क्या पूरा? ओ भाई ओ, आग देखो कितना मस्त जल रहा है यहाँ पर, और मतलब धुआं एक भी ना यहाँ पर हमारे आसपास नहीं आ रहा बिल्कुल, तो धुआं सीधा जो है ना ऊपर यहाँ से स्ट्रेट सीधा और सीधा बाहर निकल जाएगा। और ये जो है, ये जो टेक्निक जो आइडिया था ना भाई, ये आइडिया तो मम्मी का है कि इसमें भाई चूल्हा रहेगा यहाँ पर, वरना हमें चूल्हे को हटाने वाले किचन से, बट ये कि आज हमारे काम आ रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो बाहर जो है चूल्हा जलाकर इसको जो है वो करना, और गैस में करेंगे तो फालतू गैस भी वेस्ट होगा इसमें। तो बहुत तेज हो रहा है, ये देखो जाली जाली पे जो है देखो कैसे इस तरीके से को भुना जा रहा है भाई, ये देखो पंजे भुना भी होता है गाइस ऐसा, ये देखो ये भुना हुआ है, और इसके जो यहाँ पर जो होते हैं ना गंदगी जो होती है अंजे पंजे साइड साइड के सब निकाल दिए, देखो ये है ये सब निकला हुआ, ये भून के जो रखा भून के रखा, इसका जो खाल जो है ना वो सब निकाल दिया है, तो ऐसे अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेंगे। देखो मम्मी साफ कर रही है, मम्मी को क्योंकि फुल एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर आप लोग भी सूप बनाना चाहते हो घर पे, तो भाई आप लोग भी पूरा वीडियो को देख लो, और इस तरीके से इसकी सफाई करना भाई कर। तब तक मम्मी भूल रही, तब तक मैं आपको ना अपना फोन दिखाता हूँ मैंने उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है। अभी मजा आएगा ना वीडियो।
गाइज ये है वो न्यू फोन मेरा जो मैंने लिया है और ये बहुत स्लिम है गाइज और ये बहुत ही ज्यादा हल्का है गाइज, ये ओप्पो का रेनो का है और इसमें देखो फिंगरप्रिंट जो है इसमें आगे दे रखा है और ये ऑन कर, ये देखो मेरी फोटो क्या मस्त लग रही है, फोटो कैसे लग रही है भाई कमेंट करके बता दो फटाफट। और गाइज ये देखो गाइज यूट्यूब का लोगो और दून बॉय का लोगो, यानी कि सबसे अलग थोड़ा अलग फील आएगा इस फोन को पकड़ने में और लोग देखेंगे तो थोड़ा अलग सा डिफरेंट लगेगा इस फोन में ना गाइस। इसमें देखो यहाँ पे टाइप सी वाला जो चार्जर लगता है और इसी में जो है ना हेडफोन लगता है और हेडफोन में से काफी महंगा है और हेडफोन जो है फोन के साथ अब मिलता नहीं, जैसे आप लोगों को पता है आजकल फोन के साथ हेडफोन मिलता नहीं है। और गाइस इसमें जो है मेमोरी कार्ड भी नहीं लगता अंदर, और ये देखो मेमोरी कार्ड मैंने जो फोन का था वो मैंने ये रख रखा है बाहर क्योंकि उसमें फोटोज वगैरह है मेरी। तो गाइस कुछ ऐसा ही है यार फोन, तो मैं लोगो लगाया मैंने मॉडिफाइड थोड़ा कर दिया मतलब लोगों से हटके थोड़ा सा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा आपको ये फोन प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर देखो हमारे दून भाई में तो दून भाई को सब्सक्राइब कर लो गाइस। गाइस एक पंजा मैं खा रहा हूँ भून गया मैंने चटनी लगा दी, देखो चटनी लगा दी है, ये है चटनी भी खत्म हो गई पूरी, तो इसको चटनी लगा रहा है, इसको खा रहा हूँ कैसा लगेगा। चटनी बहुत मीठ वाली है और जो कितना छूट गया है, मतलब मजा आ रहा है भून के खाने में, बहुत टेस्टी है भून के खाओ ना कभी मजा आएगा। कंट्रोल और चटनी के साथ खाओ ना स्पाइसी हो रहा है बहुत, भून के खाने का टेस्ट अलग है और गाइस और जो सूप वाला टेस्ट है ना वो अलग फीलिंग आएगी भाई। तो सूप अभी फिलहाल जो है कुकर में हमने रख दिया इसमें बनने के लिए और इसमें 2 से 3 सीटी लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी क्योंकि बॉयलर के पंजे ना ज्यादा सीटी लगाओगे ना तो फिर बेकार हो जाता है वो, 2 से 3 2 सीटी हमारे लगा दी है, उसके बाद हमने अभी बंद कर दिया गैस को, तभी ठंडा होकर आपको मैं दिखाता हूँ। बन गया भाई हमारा सूप मुर्गे का पंजे का जो सूप बन गया और मम्मी के साथ बैठ कर मम्मी के रूम में खा रहा हूँ मैं, तो मम्मी कैसा लगा? बढ़िया लग रहा प्रॉपर बन गया है, देखो कितने बड़े बड़े पैर है इसके, देखो भाई मुर्गे के ये देखो इसमें जो अच्छे से मसाला और ये सूप पीने का ना ये सूप है ना जो इसको पीने का मजा ही कुछ और है ना मम्मी, मम्मी ने फिर कर दिया तो मम्मी ने तो भाई स्टार्ट कर दिया पहले ही। सो गाइस मैंने तो पी लिया भाई सूप, बहुत टेस्टी बनाया था गाइस, और जो है ना सानवी ने ना कच्चे खा लिया था भाई, पंजाब में देखा कच्चा पूरा खा लिया बैठ के वो, और सानवी सेजल सो गई इसलिए मम्मी कमरे में आए खाना खाने के लिए और वहां पे ज्यादा बोलते तो आवाज आती ना तो उड़ जाती सानवी। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, काफी मजा आया आज पंजे का सूप पीने में और जो पंजे खाने में, तो गाइस आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा वीडियो देख के और आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हो आप, अच्छे से साफ करके सफाई करके ना तब उसका सूप आप पी सकते हो क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई, सर्दियों में सूप पीना और सस्ता और टिकाऊ सूप है भाई मतलब। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हमारे तो दून भाई में सब्सक्राइब कर देना गाइस, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लेना और यहाँ पे रील्स मिलती है और फोटोज मिलते हैं सेजल सानवी के रील्स मिलते हैं इंस्टाग्राम में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस टेक केयर।